नमस्कार, मैं हूं शिवशंकर साहू, लेकर आए हैं आपके लिए ताजा तरीन खबर। लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कुशेश्वरस्थान पूर्वी के 800 घरों में घुसा है बाढ़ का पानी, कम होने का नाम नहीं ले रहा। बला गांव में सरदंश से 3 वर्षीय अंशु की मौत। गादो वाजिदपुर में ट्रक की ठोकर से वार्ड सदस्य की मौत, पूर्व उप मुखिया दंपति जख्मी। कृष्णा अष्टमी मेला में युवक ने लहराया पिस्टल। सिंगिया में कमला करे वो जीवछ, नदी में लगातार हो रही जल विधि के कारण लोगों को बड़ी परेशानी। हसनपुर बाजार की सड़क 22 फीट से घटकर हुई 12 फीट की लगातार जाम। तो विस्तार से जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर साहू, आप देख रहे हैं हमारे सोच न्यूज नेटवर्क। आप अपने क्षेत्र के ताजा दिन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके क्षेत्र की न्यूज सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और वीडियो आपका काम का लगा हो तो एक लाइक और साथ में शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र का कोई भी न्यूज बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद। कुशेश्वरस्थान पूर्वी के 800 घरों में घुसा है बाढ़ का पानी, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड के सभी 10 पंचायत की 128,000 की आबादी की बाढ़ के पानी ने जैसे कैदी बनाकर रख दिया। आखिर कब तक लोग किस तरह अपना जीवन यापन करे। हर बार पानी आता है जाता है, लेकिन इस बार बाढ़ के पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिसके पास नाव नहीं है वो अपने घरों में कैद रहते हैं। इस बार बाढ़ के पानी में डूबने से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे प्रखंड के लगभग 800 घरों में बाढ़ का पानी घुसा है। हर साल घर बनाते हैं और वो बाढ़ में ध्वस्त हो जाते हैं। गुराम की सोरबा निवासी चंद्रशेखर पासवान, राजीव पासवान आदि ने बताया कि घर में 1 फीट पानी है। हम लोग 3 महीने से घर छोड़कर रेलवे बांध पर पालतू पशु एवं परिवार के लोगों के साथ रहने को मजबूर है। हर बार दूसरे प्रदेश में जाकर पैसा कमा कर आते हैं और घर बनाते हैं, लेकिन बाढ़ उसे ध्वस्त कर देती है। प्रखंड मुख्यालय आने जाने में नाव का किराया 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक देना पड़ता है। हसनपुर बाजार की सड़क 22 फीट से घटकर हुई 12 फीट की लगता जाम। चीनी मिल चौक व ब्लॉक रोड में 23 सालों से है अतिक्रमण। हसनपुर प्रखंड के क्षेत्र के हसनपुर बाजार की मुख्य सड़क के 22 फीट से घटकर 12 फीट तक पहुँच गयी है। सड़क की चौड़ाई घटने का मुख्य कारण पिछले 23 सालों से बाजार की सड़कों पर अतिक्रमण का मौजूद होना है। हालांकि अतिक्रमण के कारण सड़क की चौड़ाई घटने से आहत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने पिछले 4 सालों में 6 बार अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्लान बनाकर संबंधित पदाधिकारियों को प्रस्तावना पत्र सौंपा। तत्काल वीडियो ने इस प्रस्ताव पत्र को एसडीओ को पास भेजकर अतिक्रमण हटाने को आदेश मांगा। एसडीओ ने अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दिया, लेकिन यह आदेश कागजी तौर पर ही सिमट कर रह गया। अतिक्रमण हटाने के लिए विभागीय तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका परिणाम यह है कि बाजार की सड़कों पर अरे तो क्या छोटे वाहनों के आवागमन में भी परेशानियां होती है। बाजार के चौक चीनी मिल चौक ब्लॉक रोड तक करीब 1 किलोमीटर में अस्थायी रूप से अतिक्रमण मौजूद है। चाहे छोटे दुकानदार अपनी दुकानों के आगे सड़क की जमीन में दुकान सजाते हैं। इसके अलावा सड़क के दोनों किनारे ठेला वाले दुकानदार की मनमानी भी अतिक्रमण का एक भी मुख्य कारण है। सड़क की जमीन पर अवैध रूप से सजाए जाने वाले दुकानों पर नजर दौड़ाई जाए तो यह देखा जा रहा है कि मछुआ पट्टी, सुभाष चौक, चीनी मिल चौक, ब्लॉक रोड सहित कई महत्वपूर्ण जगहों पर सड़कों की जमीन में दुकानों को सजाए जाने से अस्थायी अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है। इन जगहों पर 200 से अधिक दुकान अवैध रूप से सड़क की जमीन में सजाई जाती है। हालांकि इस संबंध में वीडियो जय किशन ने बताया है कि इस समस्या को लेकर पूर्व में भी अभियान चलाया जा चुका है, जल्द ही समस्या के निदान के लिए फिर से ठोस कदम उठाए जाएंगे। कृष्ण अष्टमी मेला में युवक ने लड़ाई पिस्टल। विभूतिपुर सिंगिया घाट में आयोजित कृष्ण अष्टमी मेला में एक युवक ने पिस्टल लड़ाया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस को देख युवक बाइक को पिस्टल चोट भाग निकला। पुलिस ने युवक को खदेड़ा जरूर, लेकिन सफलता नहीं मिली। थाना अध्यक्ष चंद्रकांत गोरी ने बताया कि पहचान कर ली गई है, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस ने बाइक को लोडेड पिस्टल को जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। गादो वाजिदपुर में ट्रक की ठोकर से वार्ड सदस्य की मौत, पूर्व उप मुखिया दंपति जख्मी। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया एनएच को जाम। एनएच 28 गादो वाजिदपुर में शुक्रवार को ट्रक की चपेट में आने से वार्ड सदस्य की मौत हो गई। वहीं पूर्व मुखिया व उसकी पति पत्नी घायल हो गई। पति पत्नी को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक की पहचान पान पंचायत के वार्ड संख्या 6 निवासी रामजोत पंडित के पुत्र राकेश पंडित, जिसका उम्र 40 के रूप में हुई है। वहीं वार्ड 6 के वार्ड मेंबर भी थे। वही जख्मी पति पत्नी की पहचान दिनेश कुमार, जिसका उम्र 38 एवं उनकी पत्नी सरिता देवी, उनका उम्र 35 के रूप में हुई है। जख्मी दिनेश कुमार ने बताया वो अपनी पत्नी के साथ समस्तीपुर से दलसिंह सराय आ रहे थे। ट्रक मुसरी घरारी की और तेजी से आते हुए राकेश ने मुझे धक्का मार दिया। उनकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों की मांगों को लेकर गांव वाजिदपुर में एनएच 28 जाम कर हंगामा करने लगे। सिंगिया में कमला करे वो जीवछ, नदी में लगातार हो रही जल वृद्धि के कारण लोगों को बड़ी परेशानियां। सिंगिया प्रखंड क्षेत्र होकर बहने वाली कमला करे वो जीवछ नदी को बढ़ते जल स्तर के कारण लोगों को परेशानियां लगातार बढ़ती ही जा रही है। नदियों में पानी का उछाल के कारण प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बरकरार बनी हुई है। नदियों में धीरे धीरे हो रही पानी के कारण प्रखंड के
महरा, कुंडल, टू, सालेपुर, ट्यूठार, हदिया, बगरहट्टा, वारी, मीरपुर, भरिया आदि पंचायतों में लोगों के घरों में पानी घुसने की सिलसिला जारी हो गया है। घर छोड़कर ऊंचे स्थानों में डेरा डाले लोगों को परेशानियां दिखाई देने लगी है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जहां प्रखंड होकर बहने वाली करे नदी खतरे के निशाने से एक मीटर ऊपर बह रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार विगत 24 घंटों में कमला व जीवछ नदी में आए उफान के कारण 6 सेंटीमीटर ऊंची जल बढ़ोतरी की गई है। हालांकि नदियों की जल बढ़ोतरी होने की रफ्तार कम